है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो आज हम बात करेंगे प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के अंदर थ्रेड के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली थ्रेड क्या होते हैं, किसी भी दो प्लेट को, ठीक है, या फिर किसी भी दो कंपोनेंट को आपस में टेम्परेरी जोड़ने के लिए हम थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब थ्रेडिंग हम कर देते हैं, थ्रेडिंग करने के बाद उसके ऊपर बोल्टिंग की जाती है, या तो वो एम सीरीज की बोल्टिंग हो सकती है जो कि एक स्टैंडर्ड बोल्टिंग होती है। ठीक है, जिसमें आपने सुना होगा कि M3 से लेकर और M3, M4 और उसके बाद M5, M10 और M12 तक की बोल्टिंग होती है, और इसके आगे बहुत सी बोल्टिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह की बोल्टिंग को आप उस थ्रेड में कर सकते हो। ठीक है, तो प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में हम थ्रेड का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर किसी हाउसिंग के अंदर, किसी कैविटी हाउसिंग या कोर हाउसिंग के अंदर हमको किसी इंसर्ट को अगर अटैच करना है, तो उसके लिए हम थ्रेडिंग करते हैं और उसके ऊपर बोल्टिंग करते हैं। ठीक है, तो थ्रेड का इस्तेमाल हर फील्ड में, मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, हर जगह होता है। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो थ्रेड दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है इंटरनल थ्रेड और एक होता है एक्सटर्नल थ्रेड। ठीक है, तो इन्हीं दो थ्रेड के बारे में अधिकतर हमको पता है कि जो इंटरनल थ्रेड जो कि अंदर की तरफ किए जाते हैं, और एक्सटर्नल थ्रेड जो कि आउटर पेरिफेरी में किए जाते हैं किसी भी शाफ्ट के। ठीक है, तो ये एक बेसिक डायग्राम है जो कि आपको थ्रेड बता रहा है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंटरनल थ्रेड है, और उसके बाद ये सेकेंड वाला जो डायग्राम है ये एक्सटर्नल थ्रेड है, और उसके बाद कुछ और टाइप्स होते हैं थ्रेड के जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, जो कि इम्पोर्टेंट भी है कि किस तरह से हम थ्रेड को क्लासिफाई करते हैं कि और कितने उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं थ्रेड के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइप, सेकेंड है स्क्वायर टाइप थ्रेड, और थर्ड है ACME, फोर्थ है बट्रेस थ्रेड, और उसके बाद बॉटल थ्रेड, और एक और थ्रेड है जिसको बोलते हैं वी शेप थ्रेड। ठीक है, अब सपोज कोई भी प्लास्टिक का कंपोनेंट है जिसके ऊपर थ्रेड है, या फिर एक प्लास्टिक की एक शाफ्ट है जिसके ऊपर थ्रेड किए हुए हैं जो कि एक्सटर्नल थ्रेड है, तो इस तरह के थ्रेडेड कंपोनेंट को हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो वो चीज देखते हैं। तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि जो थ्रेड है उसके हाफ थ्रेड और हाफ थ्रेड को हम एक स्प्लिट मोल्ड में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्प्लिट मोल्ड के स्प्लिट मोल्ड की वजह से आप एक्सटर्नल थ्रेड को बना सकते हो किसी भी प्लास्टिक कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये इंटरनल थ्रेड का है। ठीक है, तो इंटरनल थ्रेड में आपको एक कोर लगाना पड़ता है जो कि थ्रेडेड पार्ट जैसा ही होता है, जो कि एक मेटल का कोर होता है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है इंटरनल थ्रेड, तो इंटरनल थ्रेड को किस तरह से हम किसी भी प्लास्टिक कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे, तो उसको हम देखते हैं कि यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इंटरनल थ्रेड के लिए हम एक इंटरनल कोर बनाएंगे। ठीक है, जो कोई एक कोर इंसर्ट होगा, एक कोर पिन होगी जिसके ऊपर थ्रेड किए होंगे। ठीक है, तो उसको हमको अनस्क्रूइंग मेथड से हमको उसको बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई एक मैकेनिज्म का हमको यूज करना पड़ता है, या तो वो रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म हो सकता है, या फिर वो एजेक्टर ग्रिड से हम उसको निकाल सकते हैं पीछे से, और जो हमारा कंपोनेंट है वो भी राउंड घूमकर, जो थ्रेडेड कोर के ऊपर घूमकर वो आसानी से एजेक्ट हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड, तो स्क्वायर थ्रेड क्या होता है कि तो अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर थ्रेड के बारे में। ठीक है, तो स्क्वायर थ्रेड बेसिकली तब यूज किए जाते हैं जब हमको किसी प्लास्टिक कंपोनेंट में हायर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हायर स्ट्रेंथ के लिए हम स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है जो कि स्क्वायर थ्रेड को बता रहा है। उसके बाद है बट्रेस थ्रेड, तो बट्रेस थ्रेड क्या होता है, बेसिकली अगर किसी एक डायरेक्शन में आपको अगर पावर को ट्रांसमिट करना है, तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए आप बट्रेस थ्रेड का यूज करते हैं। ठीक है, अब पावर ट्रांसमिशन में एक टॉर्क एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये जब हम किसी शाफ्ट में अगर टॉर्क को अगर हमको देना है और उससे अगर हम गियर को अटैच करते हैं, ठीक है, तो एक डायरेक्शन में उसको उसमें पावर ट्रांसमिशन होता है, तो पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम बट्रेस थ्रेड का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बॉटल थ्रेड,
बॉटल थ्रेड बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी बॉटल में, जो प्लास्टिक की बॉटल होती है, तो प्लास्टिक की बॉटल के ऊपर आपको कुछ थ्रेड दिखते हैं जो कि 3 से 4 कुछ थ्रेड होते हैं, तो उस थ्रेड को हम बॉटल थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये थ्रेड ज्यादा नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा 3 से या 4 होते हैं कुछ। ठीक है, तो इस थ्रेड को हम बॉटल थ्रेड बोलते हैं और ये इजिली ब्लो मोल्डिंग में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बॉटल्स जो होती हैं, जो कि होलो शेप के कंपोनेंट होते हैं, उसको हम ब्लो मोल्डिंग में बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और थ्रेड है जिसको आप बोल सकते हो कि जंप आउट थ्रेड। अब जंप आउट थ्रेड कुछ स्पेसिफिक प्लास्टिक मटेरियल के लिए होता है। सपोज कि हमारे पास मटेरियल है जो कि ABS मटेरियल, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारे पास मटेरियल है, तो इसके लिए कुछ इसकी डिफॉर्मेबल प्रॉपर्टी होती है। तो डिफॉर्मेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमको इसमें कुछ थ्रेड देना पड़ते हैं, तो उस थ्रेड को हम जंप आउट करके निकाल सकते हैं, जो आप बोल सकते हो कि स्ट्रिप्ड करके निकाला जा सकता है। स्ट्रिपर प्लेट कंपोनेंट को जंप आउट कर देती है और थ्रेड निकल जाते हैं। तो ये जो इंटरनल थ्रेडेड होते हैं, ये जो इंटरनल थ्रेडेड कंपोनेंट होते हैं, ये बिना किसी स्प्लिट मोल्ड के जंप करके आसानी से निकल जाते हैं। तो बेसिकली जो पिच डिस्टेंस होती है जंप आउट प्रोसेस के लिए, वो 0.5 से कम होती है। ठीक है, 0.5 mm से अगर आप कम, अगर वो भी किसी प्लास्टिक मटेरियल में, जो कि स्पेसिफिक प्लास्टिक मटेरियल उसकी डिफॉर्मेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो 0.5 से कम या 0.5 अगर आप उसकी पिच लेंथ लोगे, तो आप आसानी से उसको जंप आउट कर सकते हो बिना किसी डिफॉर्मेशन के। ठीक है, तो यहां पर आपको एक एनिमेशन में आपको दिखा रहा हूं, जहां पर आपको जंप आउट प्रोसेस के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से इसमें प्लास्टिक कंपोनेंट, जो कि थ्रेडेड प्लास्टिक कंपोनेंट है, ये आसानी से जंप आउट करके निकल रहा है। ठीक है, तो ये था दोस्तों थ्रेड के बारे में, कि जो मोल्ड टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह से थ्रेड यूज करते हैं, वो किस तरह से प्लास्टिक कंपोनेंट के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड को हम क्रिएट करते हैं और उसको प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे लेक्चर को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। अगर आपको अगर आगे कुछ वीडियो हमारे देखना है, कुछ मोल्ड टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, ओके, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बाय।